Yes. First of all, when you will open the book for industrialization, one picture is there, because in MCQ questions or in source-based question, picture-based questions can be asked. तो picture-based question में क्या होता है? आपके chapter में जो भी pictures हैं, उन pictures की elaborations हैं, वो भी आपने side by side learn करनी है. Clear? तो first page की जो picture है, इस picture का जो cover है, ये cover एक म्यूजिक कंपनी ने ये बुक निकाली थी. कौन से ईयर में? 1900. सबसे पहले ये याद रखो, इन 1900 ईटी पॉल, उस म्यूजिक पब्लिशर का नाम क्या था? ईटी पॉल. एंड ही पब्लिश्ड अ बुक नेम एज डॉन ऑफ द सेंचुरी. डॉन ऑफ द सेंचुरी, जिसमें मशीन्स की ग्लोरिफिकेशन दिखाई गई है, मशीन की इंपॉर्टेंस दिखाई गई. चैप्टर का हेडिंग क्या है बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन एनी कंट्री और कॉन्टिनेंट, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड यू नो टाइम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन सा टाइम पीरियड था? 19th century. It is believed that industrialization came in 19th century. First of all, in which continent? Europe. तो जब हम ये कहते हैं कि बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में आई थी 19th century में, तो इसका मतलब क्या है? That many industries set up first of all in Europe. और यूरोप में कौन सी सिटी? इंग्लैंड, जिसे ब्रिटेन आइलैंड भी कहा जाता है. British Island. Clear? So whenever we talk about industrialization, the time period is 19th century and the continent is Europe, and meaning of industrialization is setting up of industries on the large scale. And इसके बारे में 1900 में एक book जो है वो publish की गई. किसने जो है वो publish किया? E.T. Paul. इस book का cover बहुत famous हुआ. क्या था इस book का cover? इस बुक के कवर में सेंटर में एक विमेन फिगर दिखाई गई है, जो क्या है? प्रोग्रेस, एंजल ऑफ प्रोग्रेस. प्रोग्रेस शो की गई है, प्रोग्रेस को एक विमेन फिगर में दिखाया गया है, और इसके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? फ्लैग. ये फ्लैग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर. यानी कि ये पिक्चर शो करती है कि जो प्रोग्रेस है, एंजल ऑफ प्रोग्रेस विमेन की फॉर्म में उसको दिखाया गया है, उसके हाथ में एक फ्लैग है, जो फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वो 1900 से आगे जा रही है. कहाँ पे जा रही है? 1901. यानी कि फ्लाइट फ्रॉम फ्यूचर, फ्लाइट टू फ्यूचर. फ्लाइट टू फ्यूचर का मतलब होता है कि अब प्रोग्रेस जो है 1900 में तो हो गई जो होनी थी, अब जो प्रोग्रेस है वो कहाँ जा रही है? 1901, नई सेंचुरी में एंटर कर रही. ठीक है. और ही स्टैंडिंग ऑन व्हील. व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम. इस विमेन फिगर को किसके ऊपर दिखाया गया है? व्हील के ऊपर. और ये व्हील रिप्रेजेंट करता है टाइम. इसका मतलब है, शॉर्ट में अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, पहले तो ये लॉन्ग में आता था ना, तो आपने सिर्फ शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए दैट इन दिस पिक्चर एंजल ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन शोन in the women figure and holding a flag in her hand and standing on a wheel. Wheel ke upar khade dikhaya gaya hai unko. And inke piche kuch machines hain. Iska matlab kya hai ki us time ke logon ko inke bare mein knowledge thi. So you have to write down kaun kaun si machines us time period mein invent ho chuki thi, kinko discover kiya gaya tha. Yes, number one railway, कैमरा. यानी कि 1900 से पहले इनको डिस्कवर, इनकी इन्वेंशन हो चुकी थी. रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्रीज. ठीक है. तो इस पिक्चर के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग आ सकती है. नेक्स्ट है सेकेंड पिक्चर. टू मैजिशियंस.
सेकेंड पेज पे जो पिक्चर है द हेडिंग ऑफ दिस इज टू मैजिशियंस, मैजिशियंस मीन जादूगर, और इस पिक्चर को बच्चे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले ऊपर दिखाया गया है अलादीन, अलादीन होल्डिंग मैजिक लैम्प इन हिज हैंड, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, ईस्टर्न कंट्रीज जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट की तरफ है, लाइक इंडिया, एशियन कंट्रीज. होल्डिंग मैजिक लैम्प इन हिज हैंड, मैजिशियन होल्डिंग मैजिक लैम्प दिखाया है कि उसने हैंड में मैजिक लैम्प पकड़ा हुआ है. और इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि जो इंडियंस हैं वो मिरेकल पे बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं कि उनके लिए कोई अलादीन का चिराग जो है वो लेकर आएगा, वो उसको रब करेंगे और एक ही दिन में या आंखें बंद करने के बाद आंखें झपकते ही उनके सामने बिल्डिंग तैयार हो जाएंगी. तो उस टाइम पीरियड में इस पिक्चर का मतलब क्या है कि वो ईस्टर्न कंट्रीज या एशियन कंट्रीज के लोगों के बारे में कितनी ट्रेडिशनल सोच रखते थे, वो हमें क्या कहते थे, ओरिएंट. ओरिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल. ओरिएंट का मतलब है ट्रेडिशनल, वो हमें ट्रेडिशनल कहते थे. और नीचे जो पिक्चर दी गई है बच्चे, ये मैकेनिक, मॉडर्न मैकेनिक, वो कहते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्न मैकेनिक्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपने ड्रीम, जो ड्रीम करते हैं ना, जो देखते हैं उसको पूरा करते हैं विद देयर हार्ड वर्क. मतलब उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को कहा कि हमारी कंट्रीज के जो मैकेनिक हैं वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, वो खुद मशीन्स बनाते हैं, खुद बिल्डिंग्स बनाते हैं. तो इस पिक्चर में मैकेनिक्स को क्या क्या बनाते दिखाया गया है, राइट डाउन, हाई राइज बिल्डिंग्स, मॉडर्न मैकेनिक्स दे कैन कंस्ट्रक्ट. उन्होंने ये कहा है कि हमारी कंट्री के जो मैकेनिक्स हैं दे कैन कंस्ट्रक्ट हाई राइज बिल्डिंग्स, देन शिप्स, ब्रिजेस, टावर्स. ठीक है, तो इससे ही हमें पता लगता है कि उस टाइम पीरियड में ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में कितना डिफरेंस जो है, वो लोग सोचते थे कि ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं डेवलप हैं. ईस्टर्न कंट्रीज अलादीन पे विश्वास करती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज किस पे विश्वास करती हैं, इंजीनियर्स एंड मॉडर्न मैकेनिक. तो इन दोनों पिक्चर्स को देखकर ही आपको ये विश्वास होगा कि उस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंट्रीज में आ चुका था और लोगों को मशीन्स की नॉलेज थी. अब हमने बच्चे इसको डिटेल से पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस क्या था और किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम, क्या ये इमिडिएटली स्टार्ट हो गया था या इससे पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन होती थी, वो हमने सारा इसको डिटेल में बताना है. ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक जो टॉपिक है उनके साथ डिस्कस हो गया था, लेकिन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं हुआ था, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक अगेन. क्लियर, व्हेन वी विल स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे पहले एक टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो का मतलब बच्चे क्या होता है, प्रायर या प्री या अर्ली फेज. ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, प्रायर, प्री और अर्ली फेज. तो अगर मैं कहती हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी 19th सेंचुरी में, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, 17th to 18th century. अब व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. टाइम पीरियड, सबसे पहले टाइम पीरियड ही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 19th century. प्रोटो का टाइम पीरियड क्या है, 17th to 18th century. सबसे पहले इसके फीचर्स क्या थे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फीचर्स. इसका मतलब क्या है कि यूरोप में 17th और 18th century में भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होती थी, बिजनेस होता था, लेकिन वो इंडस्ट्रीज में नहीं होता था. कहाँ पे होता था, विलेज एरियाज एंड सिटीज में. इसका मतलब क्या है, जिस टाइम पीरियड में बेटा फैक्ट्री सिस्टम नहीं होता था, इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, उस टाइम पीरियड में भी बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में लोग बिजनेस करते थे, लेकिन जो प्रोडक्शन थी वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में नहीं होती थी. स्पेशली कहाँ पे होती थी, विलेज एरियाज या सिटीज. सिटीज का मतलब है लोगों के घरों में या कुछ एरियाज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज नहीं होती.
तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि क्या कैसे रीजन क्यों ऐसा था, क्या रीजन था कि विलेज एरियाज में प्रोडक्शन उस टाइम पीरियड में की जाती थी। तो इसके लिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड हमने सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में सबसे पहले हमें याद रखना है गिल्ड सिस्टम। सबसे पहले बच्चे आप बताओगे इन 17 और 18 सेंचुरी मैनी पीपल दे फेस प्रॉब्लम्स फ्रॉम गिल्ड सिस्टम। क्या था ये गिल्ड सिस्टम? वन मार्क क्वेश्चन। एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, जो हमने नेपोलियन बोनापार्ट में भी किया था बच्चे, ये हमने नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में किया था ना। गिल्ड सिस्टम क्या होता था? गिल्ड सिस्टम का मतलब क्या था? एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में हो सकते हैं, कॉटन में भी हो सकते हैं, गोल्ड में भी हो सकते हैं, सिल्क में भी हो सकते हैं। क्या करते थे ये मर्चेंट्स? क्या करते थे? रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू बिजनेसमैन, ठीक है। ये गिल्ड सिस्टम क्या था? वन मार्क क्वेश्चन। एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, ये क्या करते थे? दे रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू बिजनेसमैन एंड ट्रेन्ड क्राफ्ट पर्सन, ट्रेन्ड क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। ये गिल्ड सिस्टम में जो मर्चेंट थे इनका प्रॉपर होल्ड होता था बिजनेस। सपोज अगर हम कॉटन की बात करें, इंग्लैंड में कॉटन से, रॉ कॉटन से टेक्सटाइल बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था। तो ये मर्चेंट्स की जो एसोसिएशन होती थी, पहले तो ये किसी भी नए मर्चेंट्स को अपनी एसोसिएशन में एंटर नहीं करने देते थे। रीजन क्या था? क्या होगा अगर नए नए मर्चेंट्स आते रहेंगे तो इनके साथ क्या होगा? इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते थे? दे रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री। ये मोनार्की या किंग्स के ऊपर प्रेशराइज करते थे कि वो किसी भी नए बिजनेसमैन को कॉटन इंडस्ट्री में या उनको लैंड ना लेने दें या उनको इन्वेस्ट करने से रोकें। एंड दैट्स व्हाई दे ग्रांटेड मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? राइट टू ट्रेड, राइट टू ट्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल राइट टू ट्रेड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल राइट टू ट्रेड। इसका मतलब है इस गिल्ड सिस्टम में जो मर्चेंट्स थे, जो एसोसिएशन होती थी, वो किसी भी नए बिजनेसमैन को अपनी एसोसिएशन का पार्ट नहीं बनाती थी, क्योंकि उनको ये डर था कि जितने बिजनेसमैन हमारी एसोसिएशन का पार्ट बनेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एंड और इसके अलावा ये क्या करते थे? ये एसोसिएशन अपने जितने भी कॉटन प्रोडक्शन का काम होता था उनको ट्रेंड करते थे। कॉटन से थ्रेड कैसे बनाते हैं, थ्रेड से कपड़ा कैसे बनाते हैं, उसको डाई कैसे करते हैं, तो ये क्राफ्ट पर्सन को ट्रेन करते थे। ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में कॉटन की डिमांड बढ़ती जा रही, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? उसका प्राइस भी बढ़ जाता। प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग उसमें बिजनेस कर रहे हैं उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इस बढ़ते हुए प्रॉफिट को देखते हुए उस टाइम पीरियड में यूरोप में या इंग्लैंड में बहुत से लोग इस इंडस्ट्रीज की तरफ फैसिनेटेड हुए। वो चाहते थे कि हम भी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करें, या कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का कपड़ा बनाए और इंटरनेशनल मार्केट में बेचे। बट दीज वर नॉट लेटिंग देम एंटर इनटू देयर बिजनेस। अब विलेज एरियाज में मोनोपोली या विलेज एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कहां पे थी? सिटीज में। दिस इज द रीजन व्हाई इन 17-18 सेंचुरी मैनी न्यू मर्चेंट्स दे मूव टू विलेज एरियाज। वो रहते सिटीज में थे लेकिन काम कहां से करवाते थे? विलेज एरिया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब काम कैसे होता था यहाँ पे? अब सबसे पहले आप याद रखो इन 17 और 18 सेंचुरी मैनी न्यू मर्चेंट्स दे टर्न टू विलेज एरियाज। अब वहां पर वो क्या होता था? फोर स्टेप्स वर फॉलोड, फोर स्टेप्स वर फॉलोड
in cotton textile industry? Number one, स्टेपलर, जो स्टेपलिंग करते थे. स्टेपलिंग का मतलब बच्चे क्या होता है, कॉटन जो ओरिजिनल कॉटन होती है ना, उसमें आपने देखा होगा बहुत से क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, तो उसको सीड्स को अलग करके उसको रिफाइन किया जाता है. तो ये काम कौन करते थे, स्टेपलर. एक मर्चेंट, सपोज हम एक मर्चेंट की एग्जांपल दे रहे हैं, एक मर्चेंट जो था उसके अंडर 20 to 25 स्टेपलर होते थे. यानी कि जब मर्चेंट्स, उनको सिटी में काम नहीं मिला, उनको सिटी में रिकॉग्निशन नहीं मिली, गिल्ड सिस्टम में उनको पुराने बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में एंटर नहीं किया, तब ये लोग धीरे धीरे कहाँ पे आना शुरू हो गए, विलेज एरियाज में. यहाँ पे वो क्या करते थे, इन स्टेपलर को क्या प्रोवाइड करते थे, रॉ कॉटन. क्या देते थे, रॉ कॉटन, और साथ में क्या देते थे, एडवांस, कुछ मनी भी देते थे, ताकि ये जो स्टेपलर हैं ये इनके लिए कॉटन में से बीड्स निकालने का काम करें और कॉटन को रिफाइन करें. वन मोर क्वेश्चन राइट डाउन, हु वर कॉल्ड स्टेपलर्स, स्टेपलर, यस, हु सॉर्ट, सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट करना का मतलब क्या होता है, उसको रिफाइन करना. हु वर कॉल्ड स्टेपलर, स्टेपलर, द पर्सन हु सॉर्ट, एस ओ आर टी, सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट कॉटन टू मेक फाइबर, जो कॉटन को सॉर्ट आउट करते थे ताकि उसको प्रॉपरली रिफाइन किया जाए थ्रेड बनाने के लिए. क्योंकि जब तक कॉटन को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, थ्रेड बनेगा, तो थ्रेड में क्या आएंगे, बीड्स आएंगे ना, तो उनको निकाला जाता था, स्टेपलर. सेकंड, स्टेपलर जो था वो अपना काम करने के बाद वो कॉटन जो है अपने आप ही कुछ जो उनके साथ कॉन्टेक्ट में होते थे उन पर्सन को दे देते थे. उनको क्या बोलते थे, स्पिनर. ये क्रिकेट का स्पिनर नहीं है, स्पिनर, स्पिन करना. कॉटन को स्पिन करना मींस थ्रेड बनाना. इसमें भी 20 to 25 वर्कर्स होते थे. राइट डाउन, हु वर कॉल्ड स्पिनर, स्पिनर वॉज अ पर्सन हु स्पिन थ्रेड, जो थ्रेड को स्पिन करते थे. नेक्स्ट, थर्ड, थ्रेड बनाने के बाद क्या किया जाता था, उसको किसको देते थे, फुलर. फुलर कौन होता था, जो प्लीड, प्लीडिंग का काम करता था. प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, कपड़े को प्रॉपर बनाना. बच्चे फिर से याद रखो, स्पिनर का मतलब, ये जो स्टेपलर का मतलब क्या है, कि जो क्या करता था, बीड्स निकालता था ताकि कॉटन को क्या किया जाए, रिफाइन किया जाए. स्पिनर क्या करता था, स्पिनर उस कॉटन से थ्रेड बनाता था. थ्रेड बनाने के बाद उसको किसको देते थे, फुलर को. फुलर उससे क्या बनाता था, क्लोथ. और उसके बाद प्लीडिंग का मतलब होता है उसको प्रॉपर जो है, जैसे हम निटिंग, क्या निटिंग क्या होती है, आपके मम्मा निटिंग करते हैं ना, यस, वूल जो होती है, उसके बॉल्स होते हैं, उसको सिलाइयों से जो है स्वेटर बनाया जाता है. तो आप ये सोचो कि प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब है कि इसको थ्रेड प्रोवाइड कर दिया, अब इसने क्या करना है, कपड़ा बनाना, रोल बनाता था. और ये किस कलर का होता होगा, कॉटन का कलर क्या होता है, व्हाइट. अब इसको नेक्स्ट स्टेप, यानी कि क्या चाहिए, डायर, जो इसको डाई करते हैं. तो ये फोर स्टेप्स वर फॉलोड इन द विलेज एरियाज इन द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब आप बच्चे ये याद रखो, हर स्टेप में उस मर्चेंट के अंडर कितने काम करते थे, 20 20. जब हम इसको एड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हर क्लोथ मर्चेंट के पास 80 to 100 वर्कर्स जो थे वो काम करते. इसका मतलब क्या है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो प्रोडक्शन होती थी वो इंडस्ट्रीज में नहीं होती थी, बल्कि कहाँ पे होती थी, विलेज एरियाज में. फैमिलीज, फैमिलीज का मतलब क्या होता है, पूरी फैमिली मिलकर काम करती थी. 20 to 25 अप्रोक्सीमेटली लगा लो कि 5-6 फैमिलीज मिलकर काम करती, साथ में एग्रीकल्चर भी करती थी, विलेज एरियाज में रहते थे, और इस तरह से ये सारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो था वो कैरी ऑन किया जाता था. उसके बाद डाइंग करने के बाद कपड़े को लंदन लेकर आते थे और वहां से ये इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था. इसका मतलब क्या है, मोनोपोली, कपड़ा बनाने की मोनोपोली जो है वो गिल्ड सिस्टम के पास थी, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते. इज इट क्लियर, ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन.
अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती होगी, मर्चेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी? यस, सुपरविजन, लैक ऑफ सुपरविजन वॉज देयर एट दैट टाइम. ऑल द आर्टिसंस, वीवर्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. ये अगर ये लेट हो जाएगा तो आगे ये काम क्या होगा, इसका भी लेट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं चाहे डिवीजन ऑफ लेबर थी बट स्टिल न्यू मर्चेंट्स दे फेस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. एडवांस दे देते थे लेकिन जब बाद में फाइनल डिलीवरी के लिए वो इनके पास जाते थे मटीरियल तैयार नहीं होता था. एंड क्वालिटी जो थी वो भी क्या होती थी, अलग अलग होती थी. हर मर्चेंट की क्वालिटी अलग होती थी, ठीक है. कईयों का कॉटन जो है वो कच्चा होता था, थ्रेड जो है वो टूट जाते थे, लेकिन कईयों का अच्छा होता था. इसका मतलब है क्वालिटी कांट बी सुपरवाइज. तो दिस इज द नीड, क्यों लोगों को जरूरत पड़ी एक ही छत के नीचे सारा प्रोडक्शन प्रोसेस करने की, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम. लेकिन ये कितने सालों तक ये सिस्टम चलता रहा, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी सेंचुरी में आई, 19th. इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से यूरोप में मिल सिस्टम आया. मिल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सारा काम अब एक ही रूफ के नीचे होगा. और इन फैक्ट्रीज को जो कॉटन से थ्रेड बनाती हैं उनको क्या बोलते हैं, मिल, कॉटन मिल. जहां पे क्या बनता है, थ्रेड बनता है, और थ्रेड से क्या बनता है, टेक्सटाइल. और सबसे पहली कॉटन मिल किसने, कॉटन मिल का कंसेप्ट जो है कौन लेकर आया, रिचर्ड ऑकराइट. यस, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. Who invented या who discovered Richard first cotton mill? Name is Richard Arkwright. He introduced the concept of cotton mills. And near about 1730, England में cotton mills जो हैं वो setup होना शुरू हो गए. और उसके बाद trend change हो गए. Trend क्या change हुआ? अब सारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो था वो एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे होने लगा. और इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है. यस, एनी डाउट बेटा?